पाकिस्तान पर एक बार फिर गाज गिरने वाली है, क्योंकि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को टेरर फंडिंग के खिलाफ एक्शन प्लान लागू करने के लिए सितंबर तक का समय दिया है। और अगर पाकिस्तान सितंबर तक 27 सूत्रीय एक्शन प्लान लागू नहीं कर पाता है तो उसे अक्टूबर में ब्लैक लिस्टेड किया जा सकता है। ऐसे में पाकिस्तान की इमरान खान की सरकार के लिए करो या मरो की स्थिति पैदा हो गई है। इमरान सरकार के सूत्रों की माने तो एक्शन प्लान लागू करने के लिए व्यापक स्तर पर प्रयास की आवश्यकता होगी और यह इतना आसान नहीं होगा। एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि कानूनी एजेंसियों की ओर से जांच, अभियोग और दोष सिद्धि की जरूरत होगी। वहीं फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट सहित अन्य एजेंसियों के बीच भी व्यापक तालमेल की आवश्यकता होगी। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आतंकवादी घोषित किए गए हाफिज सईद की संपत्ति जब्त करने के साथ ही उसके संगठनों जमातुद दावा, लश्कर ए तैयबा, फलाह इंसानियत फाउंडेशन, मिल्ली मुस्लिम लीग के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई करनी होगी। यही कार्रवाई जैश ए मोहम्मद और उसके प्रमुख मसूद अजहर के खिलाफ भी करनी होगी। एफएटीएफ के एक्शन प्लान को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्रवाई में आधा दर्जन से अधिक विभागों के बीच आपसी सामंजस्य का होना जरूरी है। वित्तीय अपराध और मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इनसे जुड़ी सभी विभागों में सहमति का होना आवश्यक है। गौरतलब है कि पाकिस्तान सरकार पूर्व में इन विभागों में सामंजस्य मोर्चे पर जूझती नजर आई है। ऐसे समय में जब पाकिस्तान आर्थिक मोर्चे पर संकटों से जूझ रहा है, विदेशी ऋण का बोझ बढ़ता ही जा रहा है, डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपए की कीमत लगातार गिरती जा रही है, महंगाई बढ़ रही है, पाकिस्तान के लिए एफएटीएफ का एक्शन प्लान लागू करना किसी युद्ध से कम नहीं होगा। बता दें कि एफएटीएफ ने स्पष्ट किया है कि पाक ने टेरर फंडिंग रोकने के लिए कड़े कदम नहीं उठाए हैं। वैश्विक एजेंसी ने कहा कि यदि पाकिस्तान ने टेरर फंडिंग और आतंकी ट्रेनिंग कैंपों के खिलाफ कड़े कदम नहीं उठाए तो इसे अक्टूबर में ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। एफएटीएफ ने इसे अंतिम चेतावनी बताया था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।